लाइफ सुनी अच्छी मैंने ठीक है दशा पर क्यों आए हुए हैं परेशानी दूर करे बीमारों को शफा दे बे औलादों को अपना औलाद नरीना दे और बेघरों को अपना घर दे आमीन सुमामीन। नेक दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज। आगाज इस तरह करते हैं कि थोड़ा सा हमारे घर में फिर कचरा हुआ पड़े और हम लोग करते हैं सफाई पहले। सफाई करके आज हमने ना मुर्गियों को थोड़ा सा उधर धूप में रखना है और मेरे पास कोई बड़ी टोकरी नहीं है सुराखा वाली और मैं वही सोच रही हूँ कि बड़ी टोकरी लेके ना धूप में रख के उधर ढक दूँ गैलरी में। अगर धूप में नहीं रखूंगी ना इनको तो ये बीमार भी हो सकते हैं क्योंकि उनके मुर्गे तो छत पे चढ़े रहते हैं वहां पे तो सारी मिर्गी लगते हैं। ओए जवाब नहीं दे कुछ नहीं होता। और मैं कभी कभी ये बात सोच रही हूँ कि इनको या तो उठा के ना इधर छत पे डाल दूं दोनों धूप में धूप की सिकाई कर लें दोनों लेकिन ये पता नहीं है कि ये लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। चलो बहरहाल वो बेचारा गर्दने मार मार के ना जोर लगा लगा के ये दूसरे को जवाब दे रहे हैं और मैं अभी दे रही थी झाड़ू तो मैंने यही सोचा कि मैं जो ना अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लूं साथ साथ और आपके साथ हर काम शेयर भी करती हूं। नई कहानी बनाई है ये हमारी जो मुर्गी है ना कल उसको हमने ना धूप में रखा हुआ और टोकरी के अंदर बंद करके क्योंकि ये ऐसी चराग है ना उधर छलांग लगा के चली जाती है वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने सोचा आज ना इसको ना धूप ऐसे सिकाएं ताकि इन बेचारों को ठंड ना लगे। तो इधर जी तो हमारे मिठल सिंह ये भी बड़े मज़े से बैठे हुए और ये यही कह रहे हैं कि कल लो बाहर निकले और मैं ऐसे लड़ाई करूँ है ना यही कह रहे हो ना चलो आने बाहर आपने उधर मुर्गे पिंजरे में ना शोर मचा रहे हैं और देख रहे हैं मुर्गा खास तौर पर मेरी मुर्गी कहाँ गई। अब ये भी कह रही है कि मुझे बाहर निकालो ले जाए इसको बाहर से बाहर ले जाए पिंजरा हिला रही है टोकरी फुल फुल हिला रही है मिठल का कर रहा है मिठल से धूप में कड़ाई लेता है भाई मिठल को बड़े मजे आ रहे हैं। तो जी अजान इधर धूप में बैठ के लोशन लगा रहा था तो मुझे पता क्या कह रहा है कि अम्मी मेरी वीडियो नहीं बनाओ मुझे शर्म आ रही है ये जैसे दूल्हा अपना नहीं लगाता ये वैसे लोशन लगा रहा था लोशन भी अजान लोशन नीचे गिर ना जाए बेटा हाँ ध्यान करना पता लगे नीचे गिर गया धूप अच्छे लग रही है ना। अच्छा माल्टे काश माल्टे होते माल्टे खाते हैं ना कल ले आऊँगी। क्योंकि ये मुर्गी है ना इसके ऊपर चढ़ चढ़ के ना इसको ना सारा अड़ा रही है यानी कि उलझा रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना इसके लिए बैठ के रख दूँ ताकि जो इसकी बुनाई होगी या फिर कोई और चार तो आसानी से इसको खोल के ना वो बंदा बुनता जाए। चलिए जी देखते हैं इसका सिरा कहाँ है। आज रोटी सारा दिन नहीं दी ना अब दिया तो अब खा रहे हैं देखो जब पड़ी होती तो दूसरों की मुर्गी आगे खा जाते हैं इनको कदर नहीं होती होती है। अब उधर वो उसके काम देख बस ये कितना चल रही है जैसे सारा ये खा रहा हूँ ये जो है मैं सोच रही ऐसे में पड़ती मिठा उधर ना शोर मचा रहा बाल के उधर वो हैंगर है ना उससे तो रिपट ही नहीं रहा था मैंने कहा ये जो लकड़ी है ना ये सही है क्योंकि हैंगर वो तो प्लास्टिक है उससे जो सिर्फ पुसा हो रहा था ये सही है उससे स्ट्राइट भी हो रहा है और स्लिप भी नहीं हो रहा। जुयान अजान चार बज गए बेटा जुयान को ले आओ जाके तो बस हम फिर उठा लेंगे लेकिन आने आते हैं उधर
हूं जो खुले इन पैसे तो हूं ना लाल बलेटू हाँ तो वल बलेटू की है दोवे ना जवाई बाहन नहीं गल नहीं बलेट हूँ असा ही लपी लिया वैसे बड़ी मेहनत की है। एक तो सारा थोड़ा सा ना उलझ भी गया था और अब हमने इसको सारा खोल के ना दोबारा सारा सेट कर दिया। सेट इसलिए भी किया कि जो भी बुनेगा ना वो आसानी से फिर खोल के बुनता जाएगा। और मैं अब इसको रखूँ इधर साइड। तो जी ये सब्जी हम इसके पापा लेके देके गए थे, हरा लहसुन खीरे और ये है जी चपली कद्दू पेड़े, इनको हम कहते हैं। ये पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, तो समझ आ नहीं रही थी कुछ पकाने की, मैंने सोचा आप यही ही पका लें क्योंकि आलू मटर गाजर गोभी को देख देख के बच्चे जो थे ना कह रहे मम्मी थक गए हम लोग, कुछ और नया बनाओ। कल फिर दाल चावल बनाए थे, आज मैंने फिर ये बनाया। इसको पहले हम धोएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूं मम्मी, आज फिर आपके कहे बगैर मैंने सलाह कर। हां बेटा रोज क्या करूं मेरे कहे बगैर। यार अभी नहीं आया क्योंकि आज का दिन जो छोटे हैं ना काफी, और उस बेचारे को आते आते शाम हो जाती है। अब कह रहा था अभी मम्मी छुट्टियां मिल रही हैं सर्दियों की ना, चलो मैंने कहा अच्छा हो गया। सारी जब तक सब्जी धुलेगी साफ होगी फिर इसके बाद है ना हम लोग थोड़ी देर बाद काट देंगे, ठीक है। मार्केट भी तो अब हम इसको धोते हैं सारा, ये मूली वगैरह भी है सलाद का सामान भी है, इसको धो के अब हम काटना शुरू करते हैं। तो जी यहाँ तो जी सब्जी वगैरह हम सब धो लिए, अब ये खुश्क होगी पानी इसका नीचड़ रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। कल चौधरी बनी खड़ी है और चुपके से हरा धनिया का तिनका उठा के खाने लग गई। चल दी इसकी सोटी मुझे दो, सोटी दो मुझे, इधर से आ लीजिए इधर चुप करके ना काम चेक कर ना इसकी काम। अब हम सब्जी काट रहे हैं फटाफट और फिर उसके बाद पकाना शुरू कर देंगे क्योंकि शाम भी काफी हो रही है। दोबारा चोर बन गया ना तू हैं, हरी चीजें सारी खा ली ना, अब ये कल के लिए आपका रख दूंगी मैं। ये छील छाल ली थी और लहसुन भी छील लिया था काट भी लिया था और अब मैं खा रही हूँ इधर माल्टा, क्योंकि माल्टा मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों की तो वैसे ही ये सौगात है ना माल्टा, और मैं इस सर्दियों में ना इंतज़ार करती हूँ कि माल्टे कब आएंगे। आम का इंतज़ार नहीं होता मुझे जितना ना माल्टों का इंतज़ार होता है। आग जल रही है और मैं धो रही हूँ हाथ पहले, और इधर मैंने हांडी को मट्टी वाला ले भी दे दिया था, मैं थोड़ा सा ये हो गया। सुबह का नाश्ता जो होता है ना वो खाएंगे, माशाल्लाह से दिन इतने छोटे है ना काम करते करते शाम हो जाती है। साहब भूखा बच्चे पर मैं के काट के सट्टा चा
साग भूखा नहीं जी खुशबू है ना बड़ी मजेदार लगती है। इसी खुश्क धनिया कुटी हुई लाल मिर्च सारा कुछ सुट सटा के मसाले सारे जिले भुन वैसे तो बड़ा ही मज़ेदार जो सारा नहीं ना बनती खास तौर पर मिट्टी वाली हांडी का और लकड़ियों वाली आग का। वैसे आज मेरा दिल कर रहा था मैं जो ना सिलेंडर में खाना बनाऊं लेकिन नहीं सिलेंडर का मज़ा नहीं आना था इस तरह आग में जला के आना था। मेहनत तो बहुत होती है आग जलाने में क्योंकि सर्दी की वजह से लकड़ियाँ भी थोड़ी सी सीली सीली हो जाती हैं और आग जो है बड़ी मुश्किल से जलती है। जीरा तो मैंने सोचा मैंने कहा जब चाहे मुश्किल से जले चाहे कुछ भी हो ना मैंने ना बनानी लकड़ियों में बड़ा स्वाद आता है जी हांडी मट्टी वाली हो और लकड़ी का तो जी भी रात का मैं परेशान भी बहुत हो रही थी कुछ भी मेरी तबीयत की वजह से मैं परेशान थी तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का तबीयत तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है लेकिन मैंने जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो तब से मेरे जो व्यूज़ है ना वो बहुत ही कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे छोटी सी गुजारिश यही है कि वीडियो हमारी वॉच करें हमें सपोर्ट दें हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और अच्छे अच्छे कॉमेंट करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और मजीद हमारे अंदर हिम्मत पैदा होगी कि हम लोग अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं अच्छी अच्छी बात शेयर करें अच्छा काम करें। तो मैं कल वाली वीडियो पे बड़ा वो हूँ मैंने जब देखा ना इस पर व्यूज़ नहीं है तो मैं बड़ी परेशान हुई। अच्छा अल्लाह मालिक है हम लोग अपनी जगह मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। हिम्मत कहते हैं ना नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को तो बस फिर हिम्मत नहीं छोड़नी और हम लोगों ने ऐसे ही मेहनत करती रहनी है लेकिन आप लोग हमारी वीडियो से अपनी कमेंट्स जुड़े रहें आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहें और हमारे साथ रहें। इसमें साथ ही साथ मैंने हरी मिर्ची जो थी ना वो भी इसी में काट ली थी ताकि ये गल जाए और बच्चे जो है ना फिर हम उस पर आ जाते ना तो बच्चे जो है ना नहीं खाते। बिल्कुल भी पानी नहीं जाएगा और ये अपने पानी में ही गल जाएगी क्योंकि सब्जियों को ना इनकी अपने पानी में पकाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। लहसुन में इसमें मैंने सिर्फ हरा लहसुन डाला है इसमें टमाटर प्याज वगैरह नहीं डाले। हरे लहसुन की तो खुशबू तो आपको पता ही होगी गोभी हो साग हो सुहांजना हो ये सारी जितनी भी सब्जी है ना उनको हम लोग हरे लहसुन में बनाएं उनका टेस्ट है वो भी मज़ेदार आता है और जायका जो है ना इसमें जड़ की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है हरे लहसुन की। तो ये हमारी साल हांडी जो है ना बस पकने वाली है जैसे ये सब्जी गलेगी और हम लोग उसके बाद बनाएंगे रोटी। यहाँ पर मेरी हांडी जो है वो तैयार होती जा रही है और पक जाएगी उसके बाद मेरे आटा भून के मैं फिर बनाऊंगी रोटी। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बोर ना हो बस वीडियो स्किप नहीं किया करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें खासतौर पे जो मेरे नए बहन भाई हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें शेयर कर दें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जी अच्छे से ब्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।